आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। 12 साल हो गए, 12 सालों से तुम ऐसे ही धमकियां दिए जा रहे हो, ऐसे इसी तरह से पैतरे खेलते हो, बड़े बड़े दाव बनाते हो, आखिर में क्या होता है? तुम गिरते हो मुंह के बल। और तुम्हें सच में अब भी लगता है कि तुम जीत जाओगे? अशोक प्लीज, अभी तुम्हें जो ख्याली पुलाव बनाने हैं तुम बना लो, बट लेट मी टेल यू, इस बार भी हम ही जीतेंगे। क्या हुआ मदरसन बताएगी? अरे अरे क्या ढूंढ रही है इस घर से उस घर? क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा यार। क्या बात है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? सन्नाटा किस? जो बोलता है वो तो अंदर बंद है। हैं? तू रुक जा भला। पांच मिनट दिलाया ना, उसने मुझसे बोला कि शगुन को तो मैं वैसे ही याद हूँ उतने साल पहले जैसी थी, तो मैंने सोचा ये वाला लुक। बहुत अजीब लग रहा है क्या? कैसा है ये लुक? कहाँ हो आप? 12 साल पहले जब तुझसे मिला था ना, मैं वहां चला गया। You haven't changed. अच्छा लिसन, वक्त बहुत कम है, मैं अशोक के बारे में बात करना चाह रही थी। रमन, वो बहुत बड़ा गधा है लेकिन बहुत डेंजरस भी है, तो प्लीज आपको ये याद दिलाना था कि आपको पेशेंटली डील करना होगा। अशोक और पेशेंस डोंट गो इन द सेम लाइन। यही बोल रही हूँ, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में आके रहूँ। अशोक के हर खेल में पानी फेरना जरूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में जाऊँ। कैसे करोगी तुम ये? उसके लिए अम्मा अप्पा आप सब लोग मेरी बहुत बड़ी मदद करेंगे। हमारी हेल्प आप लोग कर पाएंगे। अब एक मिनट, मम्मी जी आप अभी कमरे में अकेले हो क्या? पापा जी हैं? हाँ यार, वो वाहियात शगुन ना, वो वाहियात नंबर 2 को कॉफी बना के दे रही है। आई मतलब 2 से उस वाहियात अशोक को कॉफी बना के दे रही है। मेरे दिल पे छुरियां चल रही है यार। बस आपके इसी प्रॉब्लम का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, हम तैयार है तैयार है, बोल पुत्र की करना है। अम्मी जी वो अशोक पे नजर रखने के लिए ना मैं उस घर में आना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसके लिए आप लोग मेरी मदद करें। समझ रहे हैं आप?
पापा जी अम्मा आपा सब। ओ यार सदके जाऊं यार तेरे, यह तो बहुत ही वधिया प्लान है। बस और तू देख दी जा कि मैं तेरे इस प्लान को कैसे चार चांद लगाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। बाला जी जू, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ हाँ, don't worry, I'll get all the details. Are you sure this is going to work? I'm very sure, Raman. पर इश्यू, मैं श्योर नहीं हूँ। मत हो। ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हो? I'm sure कि तुम कर लोगी, don't worry. इल्ले, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत बोला तो शगुन फिर से बीमार पड़ जाएगी और रमन फिर जेल चला जाएगा। ये यो। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको सिर्फ एक ही लाइन तो बोलनी है, बस आप इतना बोलना, इशू निकल जाओ तुम इस घर से, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए। इशू निकल जाओ मेरे घर से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। अयो इशू पर ये सच तो लगना चाहिए ना। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसे मत करो ना आप, वक्त बहुत कम है अम्मा, अपने दामाद का सोचो प्लीज। जैसे भी आप ये एक्टिंग कर लो, इस लाइन का पलट लो, इशू निकल जाओ तो इस घर से, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हो जाएगा, तब तक में हो जाएगा। मुझे तेरे जैसी बेटी नहीं चाहिए। बस ओके सॉरी। ये देखो शकुन, ये रिंग में तुम्हारे लिए लेने की सोच, कैसी लगी? वाह बहुत गॉर्जियस है। शुरू करो। अरे कैसे अजीब लोग रहते हैं यहाँ पर, मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? Who's screaming so much? वही हमारे लड़ाका मद्रासी पड़ोसी, और कौन? तू ठहर जा पुत्र, मैं आप ही देखती हूँ। ये प्रॉब्लम है, हर वक्त लड़ने के लिए आ जाते ही है। जोर से समझते नहीं बात को। अरे हमारी गाड़ी बाहर रहती है, काम अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा रखी है लोगों ने। अरे अपनी गाड़ी हटाओ वहाँ से। अरे तो आप चिल्ला क्यों रहे हो? भला जी आप हमेशा ये गलत काम करते हो, अपनी गाड़ी हटाओ वहाँ से। गाड़ी साफ कर दी तो क्या हो गया? अरे हमारी हमारी गाड़ी बाहर रहती है ना। आप लोग बस करो। देखा मधु कितना गुस्सा आ रहा है। अरे हमारी गाड़ी वहाँ पार्क होती है, हमें कल कहीं जाना था, हम अपनी गाड़ी निकाल नहीं पाए। अरे तुम नहीं तो आज चले जाओ। अच्छा जाना कल था जाए आज, ये क्या समझाओ यार। देखो आप लोग ना बात बात पे लड़ते रहते हो, कोई अच्छी बात नहीं है। आप बस करो अभी, अब बस। बिल्कुल ठीक बोले शीता तुम्हें, मेरे अब्बा अप्पा को ना आदत पड़ गई लड़ाई करने की, जब तक ये लड़ाई ना कर ले इनका खाना हजम नहीं होता, इसीलिए बिना किसी बात के भी लड़ने चले आते हैं। अच्छा जी हम लड़ते लड़ाई तो आप लोग करते हो, आप पहले शुरू करते हो लड़ाई को। आप क्या कर रहे हो? फूल बरसा रहे हो हम पे। अरे हमारी गाड़ी वहाँ हमेशा रहती है, तुम हाथ धोती रहेंगे हमारी गाड़ी। अरे हम नहीं लड़ेंगे, बोलो मधु निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तेरे जैसे काम है। आप हर बात में ना लड़ने आ जाते हो, वो भी लॉबी में खड़े हो के आप लड़ाई कर रहे हो। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। ओए ओए देखिया, तेरी बेटी भी हमारे साइड पर है। इशू, वो हमारी बेटी होकर इनकी साइड ले रही है। अप्पा मैं आपकी साइड रहती अगर आप सही होते, लेकिन अभी वो सही है क्योंकि वो लोग लड़ नहीं रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हो, आप हर बात पे लड़ते हो। दिस इज रॉन्ग। अच्छा हम गलत है और ये सही है? अप्पा आप हो गलत तो हो गलत, मैं साइड नहीं ले सकती। नहीं तुम अभी सॉरी बोलो, अभी सॉरी बोलो। इल्ले अप्पा नो, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। नहीं तो चलो एक काम करो, जाओ इनके साथ रहो, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। देखता ये पंजाबी लोग तुम्हें कैसे रखते हैं। गाड़ी हटा नहीं रहे हो, बेटी हमें दे रहे हो, पागल हो गए हो कैसे? रखो अपने बात, तुम्हारी साइड ले रही है ना ये लो। अजीब लोग यार, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मधु मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बेटी अरे बेटी मुझे मेरी ले वो हां ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन बेटी तो ले जाओ। देख ले कैसे लड़ाता है। पागल लोग हैं क्या ये? ऐसी कोई मासूम सी बच्ची को, अरे देखो ये क्यों रो रही है? ओए 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 तो रोने क्यों छोड़ दिया ना मेरे पापा ने मुझे, अब मैं कहां जाऊंगी?
कॉफी में रह लूंगी, नहीं, नहीं, जाके खुद पार्किंग लॉट में सो जाती हूं। नहीं नहीं नहीं, पागल है वो, ये तू रो ना पुत्र। मैंने सही का साथ दिया ना। हां बिल्कुल, तूने सही का साथ दिया, यही तो गल उन्हें चंगी नहीं लगी तो उन्होंने घर से निकाल दिया। पर फिर की होया, रोने की कोई गल नहीं है पुत्र। मैं हूं ना, मेरे घर के दरवाजे तेरे ऊपर खुले हैं। हाँ, क्या बोले जा रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, वैंड ओपन, तू हमारे घर में रहेगी। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? एक स्ट्रेंजर को हमारे घर पे प्लीज, ये सब बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रही। तुमने सुना नहीं उसके पापा ने कहा था उन्हें बेटी नहीं चाहिए, कल को काट के फेंक दिया तो इसका भूत मर रहेगा, बाकी लड़के तुम्हारी गाड़ी में घुस जाएगा, तुम्हारी गाड़ी टूट जाएगी। अरे बाप, मासूम कुड़ी है यार, छोटी सी बच्ची है, क्या नाटक। अरे पड़ोसी अपने होते हैं, नॉनसेंस यार। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, रो नहीं, तो हमारे घर में रहेगी, हमारा घर बहुत बड़ा है, और भी लोग आ गए रहने वाले। मैंने बोला था ना मुझसे गलती होगी। कुछ नहीं, कुछ सब ठीक है, रिलैक्स। मैंने बोला था कुछ नहीं ना, चुप रहो, नहीं आता तेरा इतना अच्छा हुआ है सब कुछ। नहीं झूठ हो ना, क्या पागलपन चल रहा है यहाँ, कुछ भी करते हैं यार ये लोग, मतलब कोई भी यहाँ पर आके रहेगा, रिडिक्युलस। ना 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 मेरे बच्चे ना, मैं तेरे इस तरह बेसहारा थोड़ी छोड़ दूंगी, तेरे चिंता करने की की जरूरत है, आराम ना रह। जब तक तेरे वो पागल पेव को अपनी गलती का एहसास नहीं ना हो जाता, तू इधर रह आराम ना, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं, छोड़ मेरा बच्चा। आंटी अब बहुत स्वीट है, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी तो किसी को तकलीफ, मुझे तकलीफ होगी, ये यहाँ नहीं रहेगी, हम इसे जानते तक नहीं क्यों हमारे घर में आएगी। चुप कर तू, तू कौन होती है कहने वाली, ये घर मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी कि इधर कौन रहेगा तो कौन नहीं रहेगा, समझी है? और गल सुन, ये बेलगाम ऊंट जब इधर रह सकता है तो ये मासूम कुड़ी क्यों नहीं रह सकती है? उधर तू दफा कर, इनू आराम नाल रहे, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं मेरा बच्चा। हाँ मैं तेरे लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। थैंक यू, वन सेकंड। मैं तुम्हें जानती हूँ, हम पहले मिल चुके हैं, मैं मिली हूँ तुमसे, राइट? मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट, राइट। मैं अपनी बेटी रूही को शायद तुम्हारे पास लाई थी, तुम वही हो ना जिसकी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं डेस्परेटली। ये क्या तरीका बात करें कि लड़का ढूंढ रहे, मतलब इट्स द ट्रूथ, सच है, am I right? नहीं नहीं बिल्कुल सच है, मुझे बुरा नहीं लगता इन बातों का, मुझे आदत है, अम्मा पापा को बुरा लगता है इसलिए वो सब लोग पे नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, मुझ पे भी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ वो नहीं नहीं, नॉट ओनली दिस एक्सीडेंट, ओ लुक एट योर फेस, पूरा चेहरा मतलब एकदम रंग उतर गया है, लग रहा है ना, सी पेल सा लग रहा है, आई थिंक बीपी प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, हैव यू गॉट इट चेक? मुझे लगता है सी आई एम अ डॉक्टर, मुझे बीपी चेक करना चाहिए तुम्हारा, जरूरत है, मैं डॉक्टर हूं मुझे पता है, शक्ल से पता लग रहा है बीपी प्रॉब्लम है, लेट मी सी। ओ नीलो जाकर कमरे से बीपी की मशीन ले आ, नर्व्स कितनी तेज दौड़ रही है, ध्यान रखना चाहिए, प्लीज प्लीज आ जाओ। हां इशिता चलाक तो है लेकिन ये तो नौटंकीबाज भी निकली है। बीपी हाई है आपका, कैसे हेरिडिटरी है क्या, मतलब घर में और भी किसी को रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि कोई स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, क्या होता है अभी जैसे आप मुझे बताया था घर पे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो कुछ ऐसा हुआ तो नहीं था जो अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उस दौरान कुछ हुआ हो शायद? डोंट वरी इशिता जी, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, वैसे भी जब ये मेरी बाहों में आती है तो ये ठीक हो ही जाती है, इसलिए तो मैं आया हूँ। लेकिन आपको अभी आना नहीं चाहिए था, आप शगुन को आराम की जरूरत है, मेरे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक गई हूँ, पर ऐसे सी मैं कह रही थी ना शगुन तुम्हें सच में रेस्ट करना चाहिए, अब आपको जाना चाहिए अभी, वरना शगुन की तबीयत और बिगड़ जाएगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एक
पर्सनल सवाल पूछूं? ये अशोक, ये आपका बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है, ये मैंने इसे फंक्शंस में देखा है। ये बिजनेसमैन है ना? दिल्ली का टॉप बिजनेसमैन। दरअसल इट्स वियर्ड ना, लाइक अजीब सी बात है, आप अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रह रहे हो, फिर बॉयफ्रेंड भी यहाँ आके रह रहा है। तो सोसाइटी वाले बात कर रहे थे दरअसल, तो मैंने सोचा आपके नोटिस में ले आऊँ। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि ये सोसाइटी के जो लोग हैं बहुत ही ओल्ड फैशन है, एंड उन्हें क्या पता कि अशोक मेरा ख्याल रख रहा है, ही केयर्स फॉर मी, इसलिए यहाँ है। यार राइट, सही बात है, हु केयर्स, मतलब लोग कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है उस बात से। कोई शादी कब कर रहा है? डेट फिक्स नहीं हुई। अजीब बात है, काफी टाइम से यू आर सीइंग ईच अदर ना? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लड़कों का ना क्या भरोसा होता है आजकल, पहले प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद में वक्त आने पे मुकर जाते हैं। अशोक ऐसा नहीं है, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो ऐसा होता तो मेरे लिए इतना कुछ थोड़ी ना करता। आई मीन सब कुछ छोड़ के वो मेरे साथ रह रहा है, ही रियली केयर्स फॉर मी। साथ रह रहा है, ये भी तो एक अजीब बात है ना, मतलब कोई भी खुददार आदमी इतने वक्त किसी लड़की के घर में जाके नहीं रहता, और वो भी एक्स हस्बैंड के घर में जाके रहे। और अगर वो तुम्हारी इतनी केयर करता है तो तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाता, पर उसने वो भी नहीं किया, वो यहाँ रह रहा है। नहीं, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है वो तुम्हारी केयर करता है। तो मुझे एक बात और लगती है कि जब तक शादी नहीं हुई ना, तब तक थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा होता है। इससे क्या है, सोसाइटी में और दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अब तुम वैसे उसको थोड़ा थोड़ा दूर रख सकती हो अपने आप से, कुछ कह सकती हो कि मे बी मैं इस कमरे में रहती हूँ या व्हाटएवर, पर थोड़ा दूर रखो। यू राइट, मे बी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? तुम क्यों मुझे एडवाइस दे रही हो? क्योंकि मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखते, बता। कुछ भी गलत हो मैं नहीं सहन कर सकती, फिर वो तुम्हारे ही साथ क्यों नहीं होगा? मैं समझ रही हूँ हम अजनबी हैं, मैं तुम्हें नहीं जानती, बट आई एम कंसर्न, एक औरत हो तुम। और एक बात बताऊँ, डिफरेंस अच्छा होता है, प्यार का ना टाइम टाइम पे टेस्ट लेते रहना चाहिए, तुम भी उसका टेस्ट लो, अगर टेस्ट में पास हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो तुम्हें सच भी पता लग जाएगा। मैं उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता। आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड, मैंने कहा वो ऐसा नहीं है। आई एम श्योर ये तरीका वर्क करेगा, और फिर देखना प्यार भी और बढ़ जाएगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारे ये जो पुराने पैंतरे हैं ना, वो काम नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे अपने पुराने अवतार में आओगी और शगुन की याददाश्त वापस आ जाएगी? शगुन की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, और रमन को तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये लग रहा है जो हंस के रही, इट इज फनी, हर बार अशोक, अरे 12 साल हो गए, 12 सालों से तुम ऐसे ही धमकियां दिए जा रहे हो, ऐसे ही इसी तरह से पैतरे खेलते हो, बड़े बड़े दाव बनाते हो, आखिर में क्या होता है, तुम गिरते हो मुंह के बल। और तुम्हें सच में अब भी लगता है कि तुम जीत जाओगे? अशोक प्लीज, अभी तुम्हें जो ख्याली पुलाव बनाने हैं तुम बना लो, बट लेट मी टेल यू, इस बार भी हम ही जीतेंगे, इस बार भी तुम मुंह के बल गिरोगे, और ये मेरा चैलेंज है तुमसे, मैं अपने पति को किसी भी तरह से बचाऊंगी। तुम जरूर बच के रहना, काफी खतरा है तुम्हें हम सबसे। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।